लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस ने भी अभी अपनी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है। इसी बीच उद्योग मंत्री और गगरेट उपचुनाव के प्रभारी हर्षवर्धन चौहान ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने गगरेट के पूर्व मंत्री कुलदीप कुमार से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं जीवन शर्मा ऊना से। आज हम पहुंचे हैं गगरेट विधानसभा क्षेत्र, जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। हमारे साथ जहां से सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी के उदित कुमार जी बैठे हैं, उनसे जानेंगे कि अगर आज जो मंथन हुआ है प्रदेश सरकार में, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन जी आए हैं, अन्य नेता आए हैं, आज क्या मंथन हुआ है कार्यकर्ताओं को लेकर, टिकट को लेकर क्या बात हुई है? उदित कुमार जी, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद सर। आज जो हर्षवर्धन चौहान प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री हैं, आए हैं कार्यकर्ताओं के साथ, टिकट लेकर मंथन हुआ है या फिर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है, क्या बातचीत हुई है, क्या पहले? मैं, जैसे मैंने पहले बात कर कहा कि हर्षवर्धन जी आज कल जो हमारे सरकार के उद्योग मंत्री हैं, बहुत ही पुराने तजर्बे का रहे हैं, 7 वर्ष MLA रह चुके हैं, अब सरकार में मंत्री। इनके पिताजी भी 4 बार लगातार वहाँ पर अपने विधानसभा में विधायक रहे थे, तो इनकी वहाँ पर जो पैंट है, इनका वो तजर्बा है, उस तजर्बे से हमें यहाँ पर फायदा मिलेगा। और निस्संदेह यहाँ पर जो ये बात रखेंगे, यहाँ के वर्करों की जो बात रखी जाएगी, आज यहाँ मीटिंग रखी थी, उनकी अध्यक्षता में यहाँ मीटिंग हुई थी और काफी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता थे। 3 दिन पहले भी एक संजय रत्न और जो सुदर्शन बहुत वो भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी यहाँ कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली थी, उन्होंने भी मंथन किया था, अलग से एक एक से विचार किया था, उनकी भावनाओं को देखा था। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अब काफी मंथन हो चुका है जी, अब कांग्रेस पार्टी को जल्द से जल्द जो है इस पर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जो दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है जी, वो कई दिनों से फील्ड में डटी हुई है और वो अपना कैंपेन जो है चालू किया हुआ है जी। तो इस करके दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, दुश्मन को अगर कमजोर समझा तो आप अधिक लड़ाई जो है हार जाएंगे। लेकिन आज हमें दुश्मन को, क्योंकि आज दुश्मन जो है बड़ा मजबूत है, धन बल से मजबूत है, तो उसका मुकाबला करना है। तो जल्द से जल्द मैं पार्टी हाईकमांड से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इसका फैसला करें, और ताकि कार्यकर्ता जो है सर, जैसे टिकट आवंटन का जो कार्य है, अभी हमने आपके कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर पूछा तो लगभग 70-80% जो कार्यकर्ता है वो आपके पक्ष में बोल रहे हैं कि कुलदीप कुमार जी ने यहाँ ग्रेट में एक उद्योग स्थापित किया है, उसके बाद किसी भी जो भी नेता बने हैं उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया है। यहाँ तक नौजवानों की बात है, महिलाओं की बात है, बुजुर्गों की बात है, उन्होंने कहा कि आप ग्रेट क्षेत्र में एक औद्योगिक उन्नति के मसीहा माने जाते हैं, आपको भी टिकट मिलना चाहिए, इसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ये जनता का मेरे प्रति प्यार है। निसंदेह मैंने लगभग 30-32 साल 90 से मैंने पहले इलेक्शन यहाँ पर लड़ा था जी, और उस वक्त मंत्री हुआ करते थे साधु राम जी जी, उनको मैंने 93 में उस सिविल सप्लाई के मंत्री थे उनको हरा कर जी, तो उसके बाद लगातार मैंने 15 साल सरकार में यहाँ का प्रतिनिधित्व का भिन्न भिन्न पदों पर किया जी, और यहाँ पर मुझे जनता यहाँ के इलाके का विकास होता रहा और लोगों ने विकास को मुझे आशीर्वाद देते रहे, और मैं यहाँ पर लगातार 15 साल जो है प्रतिनिधित्व किया, और लगभग 30-35 साल मैंने इस गगरेट में मेरी कर्मभूमि रही है जी। बच्चे बच्चे को यहाँ जो औद्योगिकरण हुआ है जी, वो भी यहाँ पर एक बड़ा रेवोल्यूशन आया था, यहाँ जो जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है जी, यूएनएस है और दूसरी कंपनी है, जैसे हमने औद्योगिक सेंटर खोले गीतपुर बेड़ी का, गगरेट का, ये सारे जो है यहाँ पर औद्योगिक क्रांति आई जिससे लगभग 15-20 हजार लोगों को तो डायरेक्ट रोजगार मिला है जी, जी। और इनडायरेक्ट रोजगार तो लाखों को मिला है, चाहे वो
कोई चाहे ट्रक यूनियन हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे वो कोई और चीज करता हो, लेकिन उनको यहाँ लाके मैं एक बूस्ट मिला था जी। वो एक सुनहरी मौका था। वो लोग आज हर घर में कोई ना कोई बच्चा बच्चा ऐसा है जिसका जो मेरे द्वारा कोई ना कोई मेरा काम किया है जी। तो मुझे उनका आशीर्वाद, उनका प्यार जो मिला है जी, उसका मैं सबका आभारी हूँ। तो सर, अगर आला कमान आपकी बजाय आम जनता की बजाय, कांग्रेस कार्यकर्ता की बजाय किसी और को टिकट देती है, तो उसके बाद आपकी क्या रणनीति रहेगी? आपने कांग्रेस कार्यकर्ता की बात की और मैं बार बार हर प्लेटफार्म पर बात कर रहा हूँ जी के हाई कमांड को हमेशा जो है कांग्रेस के जो लॉयल हैं जी। इवन मैं तो ये कहता हूँ, टिकट की बात छोड़िए, कोई पद भी देना है तो उसके, ये पहले हुआ करता था जी के किसी को अगर कोई पद भी देना है तो उसकी जो लॉयल्टी पार्टी के प्रति है जी, उसको देखा जाता था, उसका डीएनए देखा जाता था कि कांग्रेस पार्टी का लॉयल है कि नहीं है जी। आज वो गलतियां जो है, ये जो बाई इलेक्शन हुए हैं, वो भी वही गलती हुई है कि पिछले चुनावों में जो जिन कार्यकर्ताओं ने 5 साल फील्ड में जाके बूथों पर जाके काम किया, पार्टी को मजबूत किया तन मन धन से, और आखिरी मौके पर आके उनका जो है टिकट काट दिया गया जी। पहले तो हाई कमांड को इन बातों का मंथन करना चाहिए जी, और इन बातों का सुधार करना चाहिए कि ये जो है टिकट की बात नहीं होती है जी। एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो है हत्या करने की बात होती है, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता ही जो है रीढ़ की हड्डी है, अगर वो कमजोर हुआ तो कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी। तो कांग्रेस पार्टी के लॉयल कार्यकर्ता को ही जो है टिकट देना चाहिए जी। और जो विनिंग कैंडिडेट है जी, जो जीत सकता है, क्योंकि आज हमें सरकार को एक एक सीट की जो है जरूरत है जी। कोई कहता है एक सीट की जरूरत है, मैं तो ये कहता हूँ कि हमें 6 सीटों की